पान तो खा दिया हमने। तो कैसे हैं आप सब, आई होप यू आर फाइन। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और हम लोग रेडी हो रहे हैं कहाँ जाने के लिए, क्योंकि हमारे पिथौरागढ़ में लगे हैं सावन मेला, मतलब सोमवार के उससे सावन मेला लगा हुआ है। काफी टाइम से लगा है पर हमारे दिमाग में ना बिल्कुल नहीं आया कि हमें जाना चाहिए, तो हम लोग जा रहे हैं। और आज मैं कंटिन्यू करती हूँ इस व्लॉग को, क्योंकि डेली व्लॉगिंग तो भाई मस्ट है, अब मैं डेली व्लॉग करने वाली हूँ। तो चलते हैं फटाफट, रेडी होते हैं क्योंकि मौसम का भी ऐसे ही हो रहा है, कभी बारिश आ रही कभी धूप हो रही कभी बारिश धूप, तो कुछ फिक्स नहीं है। तो अभी रुकी हुई है बारिश, फटाफट रेडी होते हैं, लेट्स सी क्या होता है, बने रहिएगा व्लॉग में। चलिए सो गाइस, हम लोग हो चुके हैं रेडी और हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ना बहुत तेज बारिश हो गई थी तो थोड़ा देर हमें होल्ड करना पड़ा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधे मेले। आप गाइस ये देख सकते हो पूरा बारिश का मौसम हो गया था, बारिश हो रही थी झमाझम। ये देख यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हुई है गाइस, देखो। और हमारे वहाँ इतनी बारिश हुई तो अंतर होता है गाइस, गाड़ी पूरी भीगी है देखो गाइस, बहुत तेज बारिश हुई थी अभी, पर यहाँ देखो कितना सूख है। हाय राम, ये तो बहुत ही अंतर है, रियल नहीं है ना तेरे पास। तो गाइस हमेशा की तरह मेले में जाने से पहले हम लोग आ चुके हैं फिर से जूस उद्योग में। यहाँ पे हम लोग पीने चाहते गन्ने का जूस, पर मौसमी है वो है अनानास, तो मैं पी रही हूँ पाइनएप्पल। और सिमू पी रही है किसका, इसका। तो गाइस इसका फेवरेट है मौसमी और मेरा फेवरेट है अनानास, पाइनएप्पल तो मुझे इतना पसंद है ना मैं क्या बताऊँ। तो पहले जूस पीते हैं फटाफट, फिर निकलेंगे सीधे कहाँ को देखते हैं मेला, क्योंकि शाम की टाइम खुलता है, महाराजा पार्क भी शाम के टाइम खुलता है। अभी बज रहा है 1, तो लेट्स सी क्या होता है, खाना खाएंगे क्या करेंगे देखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कि भाई क्या तुझे अनानास अच्छा लगता है ना, दूर से बता अनानास कौन सा है, मौसमी कौन सा, अनानास कौन सा है मौसमी कौन सा है, मैं बताती हूँ। ये अनानास है, ये मौसमी है, ये मौसमी है, ये अनानास। चल कैसे टेस्ट कर, चल ये बस मैंने बोला था ना ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं गलत हूँ, ये मौसमी और ये अनानास है। सी मेरे टेस्ट को क्या ठुकराएगी रे तू, है ना, ऐसा मुंह क्यों बना नहीं ले, फ्रूट बियर जैसा। तूने पिया फ्रूट बियर, क्यों पिया भी गलत चीजें। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सावन महोत्सव 2024, हर माल 10 रुपए का सामान भी मिलेगा गाइस, हर माल 10 का तो नहीं होगा रही, जूते चप्पल सब लगा है, यहाँ से जाइए, यहाँ से जहाँ से पिछले बार गए थे, पिछले बार भी तो आए थे ना हम लोग। तो गाइस देख सकते हैं आप कितनी सुंदर सुंदर मार्केट लगी है, हर माल 10 रुपए से लेके सब कुछ लगा है, पर कीचड़ की वजह से ना थोड़ा कचकच हो गया, कपड़ों की शॉप जूतों की शॉप। तो गाइस यहाँ पे ना 100-100 रुपए की सूटें मिल रही है, ओह माय गॉड, दुपट्टा पैंट सब खोलो तो याली, ये अच्छी लग रही है मेरे को, गरम सूट है गाइस ये। और यहाँ पे देखो इस वाली शॉप में ना आपको 100-100 रुपए के सूट, वाह यार ये अच्छी चीज़ है, 100-100 रुपए के सूट कहाँ मिल रहे हैं, इतना सही है गरम सूट मिल रहे हैं, ऐसे मुझे रख दीजिए मैं, वाह यार मैं देखता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं 150 के इतने सुंदर सुंदर पजामे लगे हैं, 100 रुपीज के नॉर्मल कॉटन वाले वाले पजामे लगे हैं, 100 के आपको ये टी शर्ट्स मिल जाएंगी, 100 की इतनी सही टी शर्ट। और कुर्तियों का सबसे सही प्राइस है, यहाँ पे दिखाती हूँ शॉर्ट कुर्ती जो मार्केट में 200-250 की है, वो यहाँ 150 की शॉर्ट कुर्तियाँ मिलती हैं, सुंदर लग रही हैं, सुंदर सुंदर भी हैं यार। और स्टॉल ले ले मम्मी के लिए, कितने की है ये भैया, कैसे है, और 100-100 रुपए के स्टॉल भी लगे हैं गाइस देख सकते हैं, इतने सही है। Oh, my God.
आगे भी चलते हैं। कप्पू का सेट, ग्रॉसरी का सामान 90 के 6। ओह नाइस, 60 के 6। ये 60 के 6 नाइस है। पर ये कप्पू हमारे किस काम के हैं? चाय पीने के। गाइस यहाँ पे लोवर्स का प्राइस है 250 ये वाले जो हमने 800 के लिए, वो यहाँ 250 के हैं। पर ये थोड़ा सा सॉफ्ट कपड़ा है बहुत, ले लेते हैं। हाँ वो पैरासूट में ये थोड़ा सॉफ्ट कपड़ा है इस वाली मार्केट, इस वाली शॉप में। ग्रे कलर सब है, पर ग्रे कलर नहीं चाहिए, ब्राउन कलर जो ये ले लिए दो दो दे दो पैसे दे दो। भैया थैला नहीं है क्या? कितने हो गए भैया? 500। हाँ वो बड़ा होगा यार। ये चलो भैया हमने दो लोवर ले लिए नई शॉर्ट में। चलिए मेरे जूते देखो, कीचड़ से कैसे जूते हो गए, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है बारिश की वजह से। और गाइस यहाँ पे ना ये वाली शर्टें देख सकते हो 250 की है, जो मार्केट में 800, 900, 1200। नहीं नहीं यहाँ सही है ना, मतलब हाँ यहाँ तो सही प्राइस है, तो बहुत महंगी है मार्केट में थे, मतलब तो ये ठंडियाँ होंगी तो 400 प्लस की होंगी सारी मार्केट। हाँ हाँ ये सस्ती है ना भैया, इधर वहाँ महंगी है, सेम वही है। हाँ नेट वाले ये सब वही है, तभी तो कह रहा तू ये वाली ले। नहीं मैं नहीं पहनती जी छोटी यार, तुम लो अपनी पसंद की ना। तो गाइस दोबारा हम लोग पहुँच चुके हैं पान खाने के लिए। यहाँ पे भैया बेच रहे हैं पान 20 रुपए का। हाँ। तो 20 रुपए का पान है यहाँ पे, अच्छा सा बनाना है भैया। मेन इंग्रेडिएंट जेपात तक लो, मैं वही बनाने के लिए कपड़े कैसे। गाइस यहाँ पे ये वाला गेम है, मेले में हर हमेशा मैं ये वाला गेम खेलती हूँ। कितने के अंकल? 20 के 4। मैं अपना लक आजमाती हूँ। चल दो तेरे दो, तेरे दो मेरे, ठीक है पहले तू। चलो जिसमें गया वो हमारा ना, अब सिम्मू की बारी है। पैसे में डाल, पैसे में, पैसे में डाल सिम्मू। ओहो मिस कर दिया। ओहो इसके बगैर अब तेरी बारी। हाँ मेरी बारी पर जाता नहीं है ना, मसला तो वही है। ओह नहीं घर कहीं ना घर कहीं हो रहे हैं। तो गाइस थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं इधर कैसा खाना है। तो यहाँ चाउमीन मोमो उपलब्ध है, मैं तो मोमो खाऊंगी और जूतों की तो पहनने पहुँचूंगी। तो गाइस यहाँ पे मेरे हाफ मोमोज आ चुके हैं हमारे, चटनी डाल दीजिए, चटनी तो बहुत सूखी है। तो चल खाओ, फिर बारिश होगी। भगवान मोमोज एवरी, कहीं भी जाओ मैम मोमोज तो प्यार है ना, उठना नहीं चाहिए। कैसा है? अच्छा है, सही जगह में है ना। नीचे ना मछुआ गाइस यहाँ पे इसने चाउमीन भी मंगा लिया, इसका फेवरेट। ये कैसे छोड़ सकती है क्योंकि बाहर बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, कीचड़ ही कीचड़ हो गई है। हम यहाँ वेट कर रहे हैं और आगे। तो गाइस सिम्बू जा रही है यहाँ झूले में बैठने के लिए और मेरे को तो डर लग रहा है। किसमें? नाव में बैठने। तो गाइस ये तो नाव में बैठने की सोच रही है, ऊंचा मेरे को डर लगती है। पिछले बार हम लोग इसमें बैठे थे जिस दिन कांड हुआ था, अब इसमें डर लगती है इसमें बैठते हैं। किसमें? इसमें कितने का है इसका टिकट? 50 रुपए का। भैया कुछ होगा तो नहीं? मैं खुद ही नहीं बैठा हूँ भैया। अच्छा मेरे तो गले गले आ गए रे चिम्मू।
तो गाइस ये हिम्मत इसके भरोसे जा रही हूँ मैं, इसमें बैठने में फर्स्ट टाइम बैठूंगी। इससे भी पीछे, ओ मम्मी ये मुझे मारेगी। कहाँ जा रही लास्ट में? सिम्मू टुक्की में कुछ हो गया तो कुछ नहीं होता, इससे भी पीछे बैठते हैं। सब गीला हो रखा है गाइस, और हम लोग बैठे हैं। संडे है आज, संडे और आज ही बारिश हो गई, अब क्या करें, टाइम भी नहीं है और दिन है। और बार बार देखती हूँ, पिछले बार बालों की वजह से किसी लड़की के साथ कांड हुआ था। नहीं ना, तो रेडी होते हैं, डर लग रही है कि दो लड़कियां बैठी तो वहीं बैठी हैं। तो गाइस आगे दो लड़कियां बैठी हैं, और ये देखो, और ये खाली चलने में ऐश कर रहा है। मेरे देख लो, आना भैया इधर को, एक उस कोने में, एक उस कोने में। हाँ मैं भी तो देखूंगी ना। ये बच्चे कैसे खड़े हो रहे हैं देखो। ए तुम्हें डर नहीं लगती रे? कितने बार झूल गए? बहुत फ्री में, ₹10 में, पैसों में तो झूठ मत। अभी फ्री में स्टार्ट हो गया, पकड़ लेता हूँ कसकी। स्टार्ट हो चुका है, खड़े हो रहे हैं। भैया गिरोगे रे, डर नहीं लगती तुम्हें? ये देख तो इसको, ये इसको देखो तो, ये इसको डर भी नहीं, कितने चौड़ में खड़ा हो रखा है, गिरेगा रे भैया। ये देखो तो इसके पैर, स्टाइल देखो, स्टाइल तेरे सनम हाथ में, सनम दिल दे चुके सनम। चक्कर आ रहा है, बहुत ही गंदा, खतरनाक हो गया। मुझे भी डर लगता है, हो गया एपिक। तो गाइस हम लोग वापस घर को जा रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश ने पूरा कीचड़ कीचड़ कर दिया है। तो इससे पहले और तेज बारिश हो और घर को निकलते हैं सीधे, क्योंकि हमारे जूते होते एकदम गोबर हो गए हैं। तो फटाफट चलते हैं घर को, फिर मिलते हैं आपसे। बाय। घर को क्या, कहीं भी जाएंगे तो फिर मिलते हैं। सो हे गाइस, फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि भीगे तो नहीं थे पर स्टिल थोड़े भी गीला अभी मुझे नहीं लेना है, क्योंकि अभी अभी मैं थोड़ा ठीक हुई हूँ। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ेदार रहा वो झूले में झूल के। मेरी अंतड़ियाँ पूरी हिल चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है बिल्कुल। लास्ट टाइम मैं खटीमा में बैठी थी, अब मैं अभी बैठी हूँ, मुझे बहुत मन करता है झूले में बैठने का, मुझे बहुत डर लगता है, मतलब बिल्कुल मचाई सी हो गई, बिल्कुल उल्टी आने जैसा हो गया, इतना भयंकर हो गया, मेरा तो सर घूमने लग गया है।
तो बिल्कुल लाइट भी नहीं है, सुबह से बहुत बोरिंग हो गया है, सुबह से लाइट गई हुई है, फोनों में चार्ज भी नहीं है। थैंक गॉड कल शाम को चार्ज कर दिया था तो आज ब्लॉग के लिए हो गया। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। इफ यू लाइक दिस ब्लॉग डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जल्दी मिलूंगी डेली ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय, आई लव यू।